नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अंकिता सिंह है। मैं सतारा सिविल में एंटी माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ और मैं ये आरटीपीसीआर लैब में काम करती हूँ। हमारे यहाँ पे 71 सेंटर से सैंपल आते हैं इन टोटल ऑफ 7 ब्लॉक्स। एंड वहाँ के जो हमारा सैम्पल लोड है वो रोज़ का वेरी करता है, किसी दिन 2000 से 3000 के बीच में। आजकल सैम्पल कलेक्शन बहुत बढ़ गया है, पिछले महीने तक इतना नहीं था। सिर्फ ये जो गया हफ्ता है उसमें हमने एक हफ्ते में 17,000 सैंपल्स प्रोसेस किए, जिसमें से पॉजिटिविटी है ऑलमोस्ट 4000 से ऊपर। तो ये जो अचानक से पब्लिक को लग रहा है कि पॉजिटिविटी रेट बढ़ गया है, वो इस वजह से भी हो सकता है क्योंकि आजकल सैंपल टेस्टिंग बहुत बढ़ गई है। हमारा खुद का लैब अब 24/7 चालू है। सुबह दोपहर रात हम 3 शिफ्ट में सारे डॉक्टर्स, टेक्नीशियंस, डेटा एंट्री ऑपरेटर्स सब लोग काम करते हैं। टेस्टिंग लैब में पॉजिटिविटी अभी अराउंड 35-40% चल रहा है। वहाँ से जब सैंपल्स आते हैं तो सारे सेंटर्स से गाड़ी आती है, वो अपने सैंपल्स हमें देके जाते हैं। सैंपल्स सारे लेबल्ड होते हैं, सैंपल्स के साथ सैंपल लिस्ट होती है कि पेशेंट का नाम, उम्र, कौन से जगह से सैंपल कलेक्ट हुआ है। उसके बाद लैब का नंबर एक बार लिस्ट बन जाती है तो लैब का नंबर देते हैं। उसके बाद वहाँ पर प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग का मैं आपको सिर्फ बाहर से दिखाऊंगी क्योंकि अलावा अंदर का लैब है, बट वहाँ पे ऐसे ही जाना अलाउड नहीं है। पीपी के लैब में काम करते हैं। तो यहीं पे हमारी प्रोसेसिंग होती है, हमारा एक्सट्रैक्शन होता है आरएनए। यहाँ पे पीसीआर का काम चलता है, हम यहीं पे रिजल्ट्स लेते हैं और उसके बाद फाइनली फिर क्लाउड पैथोलॉजी से पहुँच रहे हैं। तो हर पेशेंट को अभी यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, एक बार उन्होंने सैंपल दिया तो उन्हें मैसेज आता है और उसके बाद रिजल्ट आने के बाद भी उनको मैसेज जाता है, ताकि यहाँ पे भीड़ कम हो, ताकि हम नहीं चाहते कि यहाँ पे नेगेटिव लोग आए, पॉजिटिव लोगों से खुले मिले।